छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण मावली परघाव की रस्म नवरात्रि के नवमी के दिन मंगलवार को देर रात अदा की गई। मावली माता और दंतेश्वरी देवी के मिलन की इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर परिसर के कुटरुबाड़ा में संपन्न किया गया। परंपरा अनुसार इस रस्म में दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राज परिवार और बस्तर वासियों के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस साल यह रस्म धूमधाम से मनाई गई। नवरात्रि के नवमी के दिन मनाए जाने वाली इस रस्म को देखने इस साल बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। 600 सालों से चली आ रही परंपरा। मंगलवार देर रात दंतेवाड़ा से पहुंची मावली माता की डोली और छत्र का बस्तर के राजकुमार ने भारी आतिशबाजी और फूलों से भव्य स्वागत किया। दंतेश्वरी मंदिर के परिसर में मनाए जाने वाली इस रस्म को देखने हजारों की संख्या में हर साल लोग पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार 600 सालों से इस रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह डोली का भव्य स्वागत करते थे। यह परंपरा आज भी बस्तर में बखूबी निभाई जाती है और अब बस्तर के राजकुमार कमलचंद भंजदेव इस रस्म की अदायगी करते हैं। बस्तर के राजकुमार कमलचंद भंजदेव ने बताया कि परंपराओं के अनुसार देवी मावली कर्नाटक राज्य के मलवल्ले गांव की देवी है, जो छिंदक नागवंशी राजा द्वारा उनके बस्तर के शासनकाल में लाई गई थी। छिंदक नागवंशी राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी तक बस्तर में शासन किया। इसके बाद चालुक्य वंश के राजा अन्नम देव ने जब बस्तर में अपना नया राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने मावली देवी को भी अपनी कुलदेवी के रूप में मान्यता दी। ऐसे शुरू हुई मालवी परघाव रस्म। मावली देवी का बस्तर दशहरा पर्व में यथोचित सम्मान और स्वागत करने के लिए मावली परघाव रस्म शुरू की गई। बस्तर के जानकार हेमंत कश्यप के मुताबिक नवरात्रि के नवमी के दिन दंतेवाड़ा से आई मावली देवी की डोली का स्वागत करने बस्तर राज परिवार सदस्य, राजगुरु और पुजारी के अलावा स्थानीय जन प्रतिनिधि राजमहल से मंदिर के परिसर कुटरुबाड़ा तक आते हैं। उनकी अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को बस्तर के राजकुमार कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखते हैं, जिसके बाद इसे दशहरा पर्व समापन होने तक मंदिर के अंदर रखा जाता है। पूरे सम्मान के साथ होती है माता की विदाई। दशहरा के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण रस्म भीतर रैनी और बाहर रैनी, कुटुम्ब यात्रा, काछन यात्रा में माता की डोली और छत्र को शामिल किया जाता है। बस्तर के राजकुमार कमलचंद देव ने बताया कि हर्षोल्लास के साथ पूरे विधि विधान से दशहरा के रस्मों को संपन्न कराया जा रहा है, साथ ही दशहरे के समापन पर इसकी ससम्मान विदाई होती है। जो कार्यक्रम, जैसे आप जानते हैं, पंचमी के दिन में माता को न्योता देने गए थे, माता की छतरी और मावली माता की डोली लेकर के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पुजारी हैं, जिया बाबा को दिया गया था। जिया बाबा ने आकर मुझे हैंडओवर किया और ये पूजा पाठ सदियों से चली आ रही बस्तर रियासत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें माता खुद दशहरा में सम्मिलित होने के लिए बस्तर राजा के न्योता पर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। साथ साथ असंख्य देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी के सभी न्योता राजा देते आए हैं और ये 600 सालों से चली आ रही है परंपरा। आज के जो कार्यक्रम आपने देखा और जो मैं काटा बंद फूल जो मैंने सिर पे पहना हुआ है, तो इसका अर्थ यह था कि 600 साल पहले राजाओं ने क्लियर कर दिया था कि हम भगवान से बड़े नहीं हो सकते, भगवान हमसे बड़े। उनको साष्टांग प्रणाम करके उसके बाद माता को कंधे में लेकर के मैं यहाँ आता हूँ। माई दंतेश्वरी से पूजा अर्चना करने के बाद मावली माता की डोली को लेकर के हम यहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद सभी देवी देवता आपसे बस्तर दशहरा में सम्मिलित होंगे। कल राजा का
जो राजा का जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, विजयदशमी सभी देवी देवता आकर के राजा से भेंट होंगे और साथ साथ दूसरे दिन हम लोग सब नया खानी खाई जाएंगे जिसमें माँ के छत्तर भी यहाँ पे उपस्थित हो चुका है। ऐसे असंख्य देवी देवताओं के साथ आज का संपूर्ण कार्यक्रम समाप्त होता है और साथ साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं और जितने भी लोग आए हुए हैं गाँव गाँव से, वो सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे देवी देवता जो आज दिन तक बस्तर में नहीं आए थे, वो सब भी उपस्थित हुए क्योंकि हमने उनको भी न्योता दिया था। तो इस बार देवी देवताओं को बहुत बड़ा समागम हमें देखने को मिलेगा। इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि इस बार भीड़ भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौरा पे मैंने किया था, करीब 2000 गांव के मेरे दौरे हुए थे, उसी सभी देवी देवताओं को मैंने न्योता भी दिया था। तो इस समय बहुत बस्तर दशहरा में सभी देवी देवता अबूझमाड़ से लेकर के ओरछा से लेकर के कटे कल्याण से लेकर सभी बड़े बड़े जगहों पर और साथ साथ जितने भी हमारे राज्य लगे हुए हैं, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा, जहाँ जहाँ बस्तर रियासत है, सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं दंतेश्वरी से सभी देवी देवता से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस्तर के लोगों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोगों का सुरक्षा करें और साथ साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने में माई का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ बना रहे।